हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिने अनबॉक्सिंग में। तो चलो आज हम बात करेंगे एक वेब सीरीज के टीजर के बारे में। बेसिकली इसका फर्स्ट सीजन आया हुआ है एमएक्स प्लेयर पे, तो इसका सेकंड सीजन आ रहा है और इसी का टीजर के बारे में हम बात करेंगे। सीरीज का नाम है समांतर। तो जो ये सीरीज है, सुहास शिरवाड़कर नाम के एक राइटर है मराठी, उनके बुक समांतर पे ही बेस्ड है। तो ये सीरीज क्या है, दो आदमी है वो अपनी पैरेलल लाइफ जी रहे, सेम सिर्फ आगे पीछे। जो सुदर्शन चक्रपाणी और कुमार, ऐसे दो कैरेक्टर का नाम है। सुदर्शन चक्रपाणी 33 साल आगे जी रहा है और कुमार है वो 33 साल पीछे जी रहा है। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि सुदर्शन ने कुमार का फ्यूचर जिया है, या ऐसे बोल सकते कि कुमार सुदर्शन पाणी का पास्ट जी रहा है। तो इसी के बारे में स्टोरी है। आप, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं तो स्पॉइलर आ जाएगा। आप सीरीज देख सकते हो, एमएक्स प्लेयर पे फ्री है। तो इस टीजर से हमें क्या पता चल रहा है, इस टीजर से हमें तीन बातें पता चल रही है। एक तो पहली बात हमें पता चल रही है कि सुदर्शन चक्रपाणी है ना, उसको कभी पुलिस ने पकड़ा था, और पैरेलली यहाँ हमें 33 साल बाद जो कैरेक्टर है कुमार को, उसको भी पुलिस पकड़ रही है। तो उसने कुछ फ्रॉड किया होगा, पहले सीजन में किया होगा वैसा, या कुछ गलत हुआ होगा उसके साथ। दूसरी बात उसको हमें पता चल रही है कि उसकी जो वाइफ है नीमा, वो उसे मार रही है कुमार को। तो आपने पहले सीजन में देखा होगा कि उसके लास्ट में वहाँ लिखा था कि कुमार के लाइफ में कोई लड़की आने वाली है, तो शायद ये बात उसके वाइफ को पता चल गई हो, इसके वजह से उसको वाइफ उसे मार रही है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि जो कुमार है वो जो डायरिया दी थी सुदर्शन चक्रपाणी ने, वो फिर से फेंक के मार रहा है सुदर्शन पाणी को। पर ऐसा क्यों कर रहा है, वो डायरिया तो उसका फ्यूचर बता रही है, उसकी हेल्प कर रही है, फिर भी क्यों कर रहा है। शायद ऐसा हुआ होगा कि जो सुदर्शन चक्रपाणी के जो डायरी में लिखा था वैसा हुआ ही ना हो इसके लाइफ में। शायद ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि डायरी में ऐसा लिखा हो कि उसके लाइफ में कल अच्छा होगा और लाइफ में बहुत बुरा हुआ, ऐसा भी हुआ हो, इसके वजह से वो कुमार बहुत चिढ़ गया हो। तो देखने वाली बात होगी कि यार क्या होगा। इसका जो डायरेक्शन है सेकंड सीजन का कर रहे समर विद्वांस, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी सीरीज होगी, क्योंकि उनके मैंने पिछले दो फिल्में देखी थी, धुराड़ा और आनंद गोपाल, जो कि बहुत अच्छी लगी थी मुझे पर्सनली। मराठी डायरेक्टर है, तो देखने वाली बात यही होगी कि यार कैसी होगी ये सीरीज। बाकी आपने कुछ नोटिस किया हो टीजर में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।